हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं तकदीर कहानी का एपिसोड नंबर 37। आस्था हेजल की फोरहेड पर किस करके बोलती है, ओ हेजल को गुस्सा भी आता है, आप इतना गुस्सा छुपाती कहाँ हो। ये कहकर आस्था उसके पेट पर गुदगुदी करने लगती है। क्या यहाँ छुपाती हो? हेजल उठकर बैठ जाती है। हेजल हंसते हुए कहती है, मम्मा मुझे गुदगुदी हो रही है। आस्था और समीर भी उठकर बैठ चुके थे। आस्था ने अभी भी हेजल को गुदगुदी करना बंद नहीं किया था। समीर भी हेजल को गुदगुदी करने लगता है। कुछ टाइम बाद आस्था और समीर हेजल को गुदगुदी करना छोड़ देते हैं। आप दोनों ने मुझे इतनी गुदगुदी की कि मेरे पेट के चूहे जग गए। हेजल खड़े होकर आस्था के कानों में धीरे से कहती है, मम्मा आप पूरी जिंदगी यहाँ क्यों नहीं रह जाती पापा और मेरे साथ? मम्मा तो कभी वापस नहीं आएगी। मेरे पास एक आइडिया है, आप पापा की वाइफ और मेरी मम्मा बन जाओ और हमारे साथ रहो। आस्था हेजल के कानों में कहती है, लेकिन आप मेरे कानों में इतना धीरे से क्यों कह रहे हो? पापा की वजह से। ओके ठीक है, लेकिन अभी मुझे और तुम्हारे पापा को एक बहुत ज़रूरी काम पूरा करना है, उसके बाद आपके पापा और मैं शादी कर लेंगे, ठीक है? लेकिन तब तक ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। शादी? ये क्या होती है? हेजल को शादी के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि उसने ना तो समीर से शादी की बात सुनी थी ना अनन्या से, और अनन्या और समीर उसे विला से ज़्यादा बाहर भी नहीं लेकर जाते थे, और हेजल अब तक स्कूल भी नहीं गई थी। हेजल का कोई फ्रेंड भी नहीं था। उसे लगता था अगर कोई किसी को मम्मा बोल दे तो वो उसकी मम्मा बन जाएगी। समीर बोलता है, तुम दोनों ऐसी क्या बातें कर रहे हो जो तुम मुझे नहीं बता सकते? हेजल आकर आस्था की गोद में बैठ जाती है। आस्था बोलती है, तुम्हें क्यों जानना है, ये हम दोनों के बीच की बात है। ये कहकर आस्था हेजल को हाई फाइव देती है। मामा मुझे भूख लगी है। आस्था हेजल को उसके रूम में ले जाती है। वो हेजल और खुद तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाती है। समीर भी जिम के बाद तैयार होकर नीचे आ रहा था। तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आस्था और समीर ऐसा दिखावा कर रहे थे जैसे उन्हें एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आस्था हेजल को खाना खिला रही थी क्योंकि उसे खुद से खाना नहीं आता था। हेजल को समझ में नहीं आ रहा था समीर और आस्था ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, लेकिन समीर ने हेजल को उन दोनों के बिहेवियर के बारे में, उन दोनों से पूछने के बारे में मना किया था, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। जिस जगह ये इंसिडेंट हुआ था समीर ने आस्था को उस जगह के बारे में बता दिया था, लेकिन वो राज 21 साल से बाहर आ ही नहीं रहा था। और दूसरी तरफ समीर को अपने फैमिली के बारे में कुछ बातें पता चली। उसे तो हमेशा से ऐसा ही लगता था, पूरे राठौर परिवार ने उसकी माँ के साथ बुरा किया, लेकिन सच तो ये था नारायण प्रताप के सिवाय किसी को हेजल यानी समीर की माँ और समीर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें तो तृष्णा और कार्तिक की शादी के बाद ये पता चला था। फ्लैशबैक, डैड मैं हेजल से प्यार करता हूँ तो क्यों मैं उसे डिवोर्स दूँ, और आप मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते उसे डिवोर्स देने के लिए। हमने कहा आपको तृष्णा से शादी करनी होगी, हमें फर्क नहीं पड़ता आप किससे प्यार करते हैं, लेकिन आपको तृष्णा से शादी करनी होगी। मैं आपकी बात नहीं मानने वाला, मैं आइनव और हेजल को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। कार्तिक जाने लगता है तभी पीछे से नारायण जी बोलते हैं, एक बार सोच लीजिए, ऐसा ना हो आपकी बीवी को इस दुनिया से अलविदा कहना पड़े। कार्तिक पीछे मुड़कर देखता है, डैड आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप हेजल और समीर को क्यों नहीं अपना रहे हैं? क्योंकि उस लड़की की औकात नहीं है राठौर परिवार की बहू बनने की। डैड आपने क्या कहा, उसकी औकात नहीं है राठौर परिवार की बहू बनने की? मैंने उसे अपनी बीवी बनाना है, ना कि राठौर परिवार की बहू। अगर आप उसे और मेरे बेटे को नहीं अपना सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। नारायण जी खुश होकर कहते हैं, हमें पता ही था आप कभी हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे उस लड़की के लिए। मैं हेजल और आइनब को लेकर इस परिवार से दूर चला जाऊंगा। मुझे ऐसे परिवार में नहीं रहना जिसको पैसे के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं। कार्तिक आप एक बार सोच लीजिए, ऐसा ना हो आपके जिद की सजा आपकी बीवी और बच्चों को भुगतनी पड़े। डैड आप कहना क्या चाहते हैं? हम तो बस ये कह रहे थे अगर आपने उन्हें छोड़ दिया तो शायद उनकी जान बच जाए। ऐसे ही नारायण जी उन्हें ब्लैकमेल करते रहे,
जब तक उन्होंने हेजल को डिवोर्स नहीं दे दिया। कार्तिक और तृष्णा की शादी भी हो जाती है। गृह प्रवेश के वक्त कार्तिक एक बच्चे को अपने हाथों में लेकर आते हैं। राठौर परिवार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कार्तिक किसे अपने साथ लेकर आए हैं। जया जी उनसे पूछती है, कार्तिक आप किसे अपने साथ लेकर आए हैं? नारायण जी गुस्से में कहते हैं, आप इसे क्यों अपने साथ लेकर आए हैं? आपका उन दोनों से रिश्ता खत्म हो गया है। कार्तिक जया जी से कहते हैं, मॉम ये मेरा बेटा आइनव है। डैड ने मुझे ब्लैकमेल किया था, अगर मैंने अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर तृष्णा से शादी नहीं की तो डैड उन्हें मार देंगे। डैड ने मेरी बीवी को इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखती है। मॉम मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया लेकिन मैं अपने बेटे को खुद से दूर नहीं कर सकता। राठौर परिवार समीर को अपनाना चाहता था लेकिन नारायण प्रताप जी के डर की वजह से समीर को नहीं अपनाया उन्होंने। एक दिन अनुराग समीर से कहता है, डैड ने तेरी माँ को छोड़ दिया और मेरी माँ से शादी की क्योंकि तेरी माँ के पास पैसे नहीं थे। समीर ने उसी दिन कार्तिक जी से इस बारे में बात की, डैड क्या मेरी माँ जिंदा है? आइनव आपको किसने बताया? डैड किसने बताया ये मैटर नहीं करता, क्या ये बात सच है? ये मैटर करता है। समीर को अपना जवाब मिल गया था। कार्तिक जी की चुप्पी ने इस बात को सच साबित कर दिया था। समीर उसी दिन घर से भाग गया था। वो जाकर एक पार्क के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसके दिमाग में अनुराग के कहे हर एक शब्द गूंज रहे थे। तभी एक बच्ची गिर जाती है। वो बच्ची लगभग 3 साल की होगी। समीर उसे उठाता है। वो बच्ची रोए जा रही थी। समीर अपने बैग से एक वाटर बॉटल निकाल पानी से उसकी चोट को साफ करता है और अपने हैंकी से उस चोट को ड्राई करके चोट पर एक बैंडेज लगा देता है। वो बच्ची और कोई नहीं रूही थी। रूही उसे बाय कहकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद समीर को कोई किडनैप कर लेता है। जैसा अभिजीत चाहता था वैसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ आप लोग तो जानते ही हैं। हेजल की डेथ के 1 साल बाद ही कार्तिक जी का कार एक्सीडेंट हो गया और उनकी भी डेथ हो गई। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड। थैंक यू।